की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉपी राइटिंग के बारे में। जी हाँ, अब आपने ये सोचा होगा कि मैं फेसबुक एड्स पढ़ा रहा हूँ, फेसबुक लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये कॉपी राइटिंग कहाँ से आ गया? कॉपी राइटिंग बेसिकली फेसबुक एड्स का बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आपने कॉपी राइटिंग नहीं सीखी, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपने कॉपी राइटिंग नहीं सीखी तो आप अच्छे एड्स और रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फेसबुक एड्स का। अब आपने देखा होगा कॉपी राइटिंग और एक होती है कॉन्टेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग होती है बेचना, आपने लिखा कैसे है और आपने अट्रैक्टिव वे में लिखा कैसे है तो आपने बेचा है। बेसिकली बेचने का तरीका कॉपी राइटिंग कहलाता है, बेसिकली प्रेजेंटेशन कहलाती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ला कर दूँ, अगर मैंने उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी की होगी और सही की होगी और बहुत बेहतरीन की होगी तो आप वो फौरन ही खरीद लोगे। जी हाँ, फौरन ही खरीद लोगे। लेकिन वही चीज़ कि मैंने प्रेजेंटेशन अगर बेकार की होगी तो आप वो चीज़ नहीं खरीदोगे। इसी तरह जब हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, तो कॉपी राइटिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। कॉपी राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, कॉपी राइटिंग जरूर सीखनी है फेसबुक एड्स के लिए। कॉपी राइटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक एड उठाया है, मेरे फेसबुक पर ये एड चल रहा था एक कुछ बुक का, तो वो मैंने एड उठाया है। अब नीचे आपने देखा होगा तस्वीरें वगैरह दी हुई है, उसके ऊपर जो चीजें लिखी हुई है, जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, एक एक चीज, इसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। मीन्स अब आप कोई भी एड चलाते हैं, अब आप कोई भी उस पर टैक्स वगैरह लिखते हैं, वो टैक्स किस रूल के मुताबिक होना चाहिए, किस प्रिंसिपल के मुताबिक होना चाहिए, उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और जो भी आप टैक्स में लिखते हैं टैक्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। जी हाँ, तो आपने कॉपी राइटिंग अच्छी तरीके से करनी है, और कॉपी राइटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, उसको तरीका क्या है करने का, और कॉपी राइटिंग कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, और वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम अच्छी कॉपी राइटिंग बना सकते हैं और अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाए और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाए, वो क्या प्रिंसिपल है, वो क्या चीज है, चलिए हम आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। तो कॉपी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने का तरीका, कॉपी राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने का तरीका और बहुत इफेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक ही प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं आइडा प्रिंसिपल। जी हाँ, आइडा प्रिंसिपल। आइडा में सबसे पहले ए आता है, ए का मतलब है अटेंशन। जी हाँ, अब आपकी जो पहली लाइन होती है ना, जो आप एड बना रहे हो उसकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने क्या करना है, उस लाइन को ऐसे इफेक्टिव मैनर में बनाना है, उस लाइन को ऐसे इफेक्टिव जुमले में लिखना है कि सामने वाला जो बंदा है वो फेसबुक पर जब वो आया है तो वो आपका एड देखकर रुक ही जाए, वो पहली लाइन आपकी पढ़कर रुक ही जाए। जी हाँ, कहते हैं दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है, तो बहुत से इंसान कहते हैं दुनिया में सबसे तेज चीज रॉकेट वगैरह है, ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया में सबसे तेज चीज इंसान का अंगूठा है। इंसान जब फेसबुक पर आता है तो आप देखा हो कि आपका अंगूठा बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, तो आपने अटेंशन, आपने अपना जो एड चलाना है उसकी पहली लाइन इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपका जो अंगूठा है या किसी भी आपके क्लाइंट का अंगूठा है वो रुकना चाहिए। अगर वो रुक गया वो आपको अटेंशन दे देगा, और आपको अटेंशन उसने दे दी तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हो। तो क्या करना है, आपने अपने कस्टमर या क्लाइंट का अंगूठा रुकना है, और वो कैसे रुकना है, इस प्रिंसिपल के जरिए, जिसका पहला कहता है अटेंशन। आपने पहली लाइन ऐसी लिखनी है जो सामने वाले को, कस्टमर को अट्रैक्ट कर दे और आपकी तरफ माइल कर दे। जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जब वो आपकी तरफ अटेंशन ले लेगा, जब वो आपकी लाइन, पहली लाइन इतनी अट्रैक्टिव होगी कि सामने वाला बंदा उस पर पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको आगे वाली चीजों में और अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स करीब से खरीद सके। तो अटेंशन, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अटेंशन में, जैसे सेल सेल सेल, 20%, 30%, 50% डिस्काउंट, और तीसरी आपने WH क्वेश्चन का यूज करना है, या फिर आप पहले लाइन में कोई पॉइंट्स यूज कर सकते हो, जैसे टू वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, टू वेज टू वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने पहली लाइन ऐसी अट्रैक्टिव लिखनी है कि सामने वाला जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है आपका, या जिसको आप एड दिखा रहे हो, वो रुकना ही चाहिए, वो बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकेगा, अगर वो नहीं रुकेगा तो आप प्रॉफिट और अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका अंगूठा रखने का तरीका पहला क्या आता है, अटेंशन, ए फॉर अटेंशन, आपने इसका ध्यान रखना है। दूसरा क्या है मेरे पास, आई। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। अब मैं फॉर एग्जांपल दूसरी लाइन मैं ऐसे लिखना चाहूंगा कि जो सामने वाले के इंटरेस्ट के मुताबिक हो, मींस कोई कस्टमर हो या फिर कोई क्लाइंट हो, मैंने दूसरी लाइन ऐसी लिखनी है कि सामने वाले के इंटरेस्ट के मुताबिक हो। जी हाँ, आपने सामने वाले के इंटरेस्ट के मुताबिक लिखना है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई चीज नहीं लिखनी। पहला आपने अटेंशन लिखना है, दूसरा इंटरेस्ट, सामने वाले का इंटरेस्ट के मुताबिक आपने चीजें लिखनी है। मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे हाउ आई मेड $1 million डूइंग फ्रीलांसिंग, ये सामने वाले का इंटरेस्ट भी है। अगर मैंने कमाया तो आप भी कमा सकते हो। डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन,
क्या आप पैसे कमाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू एंजॉय योर लाइफ? क्या तुम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो? वाई यू शुड हैव एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम? अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी तो क्या फायदा होगा आपको? ये ऐसे इंटरेस्ट हैं, ये ऐसी लाइंस हैं जो इसमें सामने वाले का इंटरेस्ट शो हो रहा है, आपका इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा। जब सामने वाले की इंटरेस्ट की बात होगी तो वो जरूर रुकेगा और जरूर आगे इसी से पढ़ेगा। तो दूसरी चीज क्या है? इंटरेस्ट, ऐसी चीज जो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे, तो वो आपने दूसरी लाइन लिखनी है। तीसरी लाइन पर आ जाते हैं डिजायर। तीसरी लाइन आपने ऐसी लिखनी है जिसमें सामने वाले का डिजायर हो, जिसमें सामने वाला इंटरेस्ट ले, जिसमें सामने वाला का कोई इंपॉर्टेंट कोई मतलब छुपा हो। आपने तीसरी लाइन ऐसे लिखनी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, डू यू विश टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, बी योर ओन बॉस, हैव पीपल वर्क फॉर यू। ये ऐसी ऐसी लाइन है, ये ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसमें सामने वाले का डिजायर होता है। सामने वाला चाहता है कि मैं अपना बॉस खुद बनूं, मैं अपने लिए खुद काम करूं, मैं दूसरों को हायर करूं अपने काम के लिए, मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊं, मैं दूसरों पर डिपेंड ना रहूं, फाइनेंशियली डिपेंड ना रहूं किसी पर भी। ये डिजायर्स है सामने वाले के। तो अगर आपने तीसरी लाइन में ये लिखा तो आप उसको और अटेंशन दे रहे हो और उसकी अटेंशन और ले रहे हो। जी हाँ, तो आपने ये डिजायर की चीज तीसरी लाइन में लिखनी जरूर है। उसके बाद आता है आखिर में ए, ए एक्शन। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो आइडा प्रिंसिपल में ए भी फॉलो कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट भी फॉलो कर रहे होते हैं, डिजायर भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो आखिर में एक्शंस देना भूल जाते हैं। जी हाँ, अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा एड बनाया, आपने कॉपीराइटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन आपने उसको एक्शन नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा कि ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेज लाइक करना है, तुम्हें मैसेज पर आना है, मेरे साथ बात करनी है, तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन होना है या फिर लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपने एक्शन नहीं दिया तो वो एक्शन ही नहीं लेगा सामने वाला, इसलिए वो सिर्फ पढ़कर, वो सारी चीजें पढ़कर वो एक्शन लिए बगैर ही चला जाएगा। आपने क्या करना है, आइडा प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने आखिर में कॉल टू एक्शन देना है, ए फॉर एक्शन। एक्शन दोगे तभी वो सामने वाला रिएक्ट करेगा, अगर आप कुछ करोगे तो तभी वो सामने वाला रिजल्ट देगा। इसलिए आपने एक्शन, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक्शन करना है, एक्शन देना है सामने वाले को कि आप बोलो उसको कि आप इस लिंक पर जा सकते हो, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, आप यहां पकड़ सकते हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि ज्वाइन टूडे फ्री सेमिनार, लिमिटेड टाइम ऑफर, कॉन्टेक्ट अस, कॉल अस, क्लिक द लिंक बिलो। ये सब क्या है? एक्शन है। मीन्स आइडा प्रिंसिपल में सब चीजें करने के बाद आपने आखिर में कॉल टू एक्शन जरूर देना है कि ये सब करने के बाद तुमने करना क्या है, बेसिकली मेरा एड चलाने का पर्पस क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है एड चलाने का, ये आपने एक्शन देना है। तो बेसिकली आइडा प्रिंसिपल में क्या होता है, आइडा प्रिंसिपल में पहला अटेंशन होता है, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर और आखिर में ए फॉर एक्शन। अगर आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो किया तो आप इजिली अच्छी से अच्छी कॉपी राइटिंग कर पाओगे। मैंने आपको इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हैं कि कैसे आइडा प्रिंसिपल यूज होता है और कैसे आइडा प्रिंसिपल को आप अच्छी से अच्छी कॉपी राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज है, जी हाँ, कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट भी किसी में मसला है, प्रोडक्ट में मसला है या सर्विस में मसला है, लेकिन कॉपी राइटिंग इतनी तगड़ी है आपकी, इतनी बेहतरीन है कि आपको वो कस्टमर आएगा आपके पास, क्लाइंट आएगा आपके पास क्लाइंट अट्रैक्ट होगा अगर आपकी कॉपी राइटिंग बहुत बेहतरीन है। बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत से बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो ज्यादातर अपनी कॉपी राइटिंग पर चल रही है, वो उनकी कॉपी राइटिंग ऐसी होती है, ऐसी होती है कि क्लाइंट और कस्टमर वो उनके पास जाता रहता है, उनके पास अट्रैक्ट होता है और वो अपने पैसे देता है उनको। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी करनी है जो आइडा प्रिंसिपल पर चलती है। ये आइडा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपनी कॉपी राइटिंग को इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आखिर में एक नोट आपने देखा होगा, यूज इमोजीज टू मेक अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग। अब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी है कि इमोजीज से लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी इमोजीज में हार्ट यूज करते हैं, अगर आप स्माइल का इमोजीज यूज करते हैं, अगर आप थोड़ा मजाक का फनी का इमोजीज यूज करते हैं, अगर आप थिंक का इमोजी यूज करते हैं, अगर आप फायर का इमोजी यूज करते हैं, या फिर आप बहुत सारे इमोजीज हैं वो यूज करते हैं, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। बहुत सी चीजें हैं अट्रैक्ट करने की, इमोजीज उसमें से सबसे बेहतरीन चीज है। अगर आप अपनी कॉपी राइटिंग में इमोजीज वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको मैसेज वगैरह करेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा कस्टमर आपको करेगा। तो आप क्या करना है, आपने इमोजीज यूज करने हैं। और ये इमोजीज आप कहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, व्हाट्सएप वेब से ले लें, व्हाट्सएप से ले लें आप, या फिर इमोजीपीडिया एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे इमोजीपीडिया तो वहां से आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोजीज वगैरह मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप कॉपी करें, अपनी कॉपी राइटिंग में पेस्ट करें और अच्छी से अच्छी अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग बनाएं। आइडा प्रिंसिपल बेसिकली यही कहता है कि आपने अच्छी से अच्छी कॉपी राइटिंग बनाकर अपने कस्टमर को और क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है।
तो आपने क्या करना है, आइडा प्रिंसिपल का यूज करना है कॉपी राइटिंग में, और इमोजीज वगैरह यूज करने ही करने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंशन देते हैं आपको और अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक एग्जांपल बनाकर दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक कॉपीराइटिंग की थी जो बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स और प्रॉफिट जनरेट हो इस कॉपीराइटिंग से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो कौन सी चीज है, वो कौन सी कॉपीराइटिंग है। अब आप देख सकते हैं ये कॉपीराइटिंग बेसिकली मैंने एक आइडा प्रिंसिपल पर की है। ये बेसिकली मेरे क्लाइंट था जिसका इंटरेस्ट था कि वो अपने एक कोर्स लॉन्च कर रहा था Amazon एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट का, ठीक है। अब उसको स्टूडेंट चाहिए थे किसके, वर्चुअल असिस्टेंट के, जो वर्चुअल असिस्टेंट सीखने पर इंटरेस्टेड हो और उसका पेमेंट करें उसको। तो अब क्या हुआ, मैंने इसके लिए एक ऐड बनाया। अब मैंने कॉपीराइटिंग देखें कैसे की, कॉपीराइटिंग मैंने सबसे पहले एक ऐसी चीज लिखी जिसमें अटेंशन ले ली मैंने उसकी। ये कॉपीराइटिंग ऐसी थी जिसमें काफी से ज्यादा स्टूडेंट ने उनको मैसेज किया था और उनके साथ एनरोल हो गए थे। पहले मैंने क्या की थी, अटेंशन ले ली थी मैंने। वाना बिकम, हाउ टू बिकम अमेजॉन एक्सपर्ट, क्या आप जानना चाहते हो कि अमेजॉन एक्सपर्ट कैसे बना जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप, दूसरी चीज क्या लिखी मैंने, पहला अटेंशन ले ली मैंने उसकी, दूसरी मैंने क्या लिखी, इंटरेस्ट। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर इन्वेस्टर हो और अमेजॉन से पैसे कमाना चाहते हो, उसके इंटरेस्ट की बात की मैंने। तो क्या हुआ, सब चीजें उसके इंटरेस्ट के मुताबिक हुई, तो उसने मुझे मैसेज किया, उसकी और अटेंशन ले ली मैंने। अब क्या हुआ, अब मैंने डिजायर की बात देखी, मींस अगर आप हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हो, अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ये मैंने बात की। मींस मैंने उसके डिजायर की बात की, उसके बेनिफिट्स की बात की, अपने बारे में बात नहीं की कि मैंने ये करता हूं, मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं सब ये कर दूंगा, मैं सब कुछ ये कर दूंगा, मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने सामने वाले के इंटरेस्ट की बात की। तो क्या हुआ, सामने वाले ने और अटेंशन दे दी मुझे। तो फिर क्या हुआ, मैंने ट्रेनिंग सेशन के बारे में बोला, मैंने कहा मैं आपको, अगर आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलेगी, कोचिंग मिलेगी। जब तक आपका पहला क्लाइंट नहीं मिल जाता आपको, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फ्री कंसल्टेशन मिलेगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी, जी हाँ। और उसके बाद तो आप वेटिंग क्या कर रहे हो, आप मुझे ज्वाइन करो, जी हाँ। कॉल टू एक्शन दिया उसके बाद मैंने क्या किया, सब मैंने, जब मैंने आइडा प्रिंसिपल का अटेंशन यूज कर ली, इंटरेस्ट यूज कर लिया, डिजायर यूज कर लिया, उसके बाद मैंने अटेंशन दी, कॉल टू एक्शन। तो आपने करना क्या है, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है, और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया आपने हमें कॉन्टेक्ट करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करना है। तो आप, उसने क्या किया, जैसे ही मैंने ये लिंक दिया उसको, जैसे ही मैंने ये दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास आना शुरू हो गए। तो मैंने अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करके दिए, उसकी मेरी काफी प्रॉफिट हुआ मुझे और काफी फायदा हुआ मुझे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया कि आपने कैसे एक अच्छी कॉपीराइटिंग करनी है और कॉपीराइटिंग के प्रिंसिपल कौन से होते हैं और कैसे हम अपनी कॉपीराइटिंग को अट्रैक्टिव मैनर में दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, जी हाँ। और एक आपको मैंने एग्जांपल भी दिखाया कि कैसे मैंने आइडा प्रिंसिपल को यूज किया अपने एड चलाने के लिए और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करके दी सिर्फ ये आइडा प्रिंसिपल से। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी एड चलाएंगे, जो भी एड चलाएंगे, आपने अपनी कॉपीराइटिंग तगड़ी करनी है, आपने अपनी कॉपीराइटिंग बेस्ट करनी है, क्योंकि अगर आपकी कॉपीराइटिंग बेस्ट होगी ना, आप अच्छे से अच्छी चीजें भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी कॉपीराइटिंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आप अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट भी है आपकी, अच्छी से अच्छी सर्विस भी है आपकी, तो आप वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं बेच पाओगे। इसलिए कॉपीराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल देकर भी समझाया है, जी हाँ। उम्मीद करता हूं आपको आज की कॉपीराइटिंग क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में और आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको अब फेसबुक एड्स के बारे में चीजें होंगी कि कैंपेन क्या होती है, एड सेट क्या होता है, एड वगैरह कैसे चलते हैं, मैं एक चीज अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो चीजें स्टेप बाय स्टेप जो जिस चीज ने मुझे फायदा दिया वो चीज मैं आपको भी बता पाऊं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। We'll be right back.